अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। कुकिंग विद फैमिली में आपको वेलकम। ये आज आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये सब्जी मंडी लगाई है मैंने, हैं सब्जियां बेच रही हूँ। तो ये जो आज आपको मैं बता दूँ, आज मैं बना रही हूँ नौरतन सब्जी। और सर्दियाँ हैं, नौरतन सब्जी नहीं बने ये तो हो ही नहीं सकता। और ये मेरी बहुत अच्छी व्यूवर्स की फरमाइश पर बन रही है, उनका नाम है कमल वसीम। उनकी फरमाइश पे मैं, बहुत अच्छी व्यूअर्स है मेरी, बहुत मुझसे कमेंट्स करती हैं, लाइक करती हैं, रेसिपी मुस्तकिल ट्राई कर रही हैं, रोज़ उनके कोई ना कोई कमेंट्स आते हैं। और तो उनकी फरमाइश पे भी बन रही है, और ये मुझे ख़ुद को ही बहुत पसंद है, लाजमी बनती है ये, यानी सर्दियों में। तो शुरू करते हैं। और इत्तेफाक से नौ रतन सब्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि हम नौ ही सब्ज़ियाँ लें तो नौ रतन होगी। तो इत्तेफाक से ये नौ सब्ज़ियाँ हो गई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो मैंने लिए वो नहीं लें, आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं, मगर जो मुझे जो पसंद थी मैंने वो डाली है। सही है, तो चलें शुरू करते हैं हम। तो शुरू करें, चलें। ये लिया है मैंने एक कप, और ये सरसों के तेल में बनेगी सब्ज़ियाँ, मैं ज़्यादातर सरसों के ही तेल में बनाती हूँ। ये सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी चटकेगी, यानी जो कहते हैं ना जायका जो आएगा सरसों के तेल में आएगी। आप बना सकते हैं कुकिंग ऑयल में बना लें, घी में बना लें, मगर ये सरसों के तेल में बनेगी। सही है। अच्छा, ये एक कप मैंने तेल ले लिया, तेल ज़रा ज़रा ज़्यादा ही अच्छा लगता है इसमें। और ये मैंने दो अदद दरमियाने साइज के आलू लिए हैं, ये दो अदद गाजर ली है मैंने, एक बैंगन लिया है, एक बैंगन लिया है छोटा सा, और ये गोभी लिया है एक फूलता बड़ा। सही है, ये एक फूल था, दरमियाना था यानी समझ लें। और आधा पाव मेथी लिए, उसको अच्छी तरह मैंने धो लिया करके, और उसको दो तीन पानी से धोइएगा मेथी को, इसमें कचरा बहुत होता है, दो तीन पानी से खूब अच्छी तरह धो के। और ये मैंने देखें, और ये तीन अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए मैंने, और ये देखें ये हरी मिर्चें लिए, छः से सात ले लीजिएगा आप अपने टेस्ट के मुताबिक, जितनी आप मिर्चें खाते हैं। सही है। और ये अदरक है, अदरक ले लीजिएगा आधी इंच का टुकड़ा, और ये लहसुन है, और ये शिमला मिर्च है, ये ऑप्शन है, आप डालें डाल लें, नहीं तो नहीं। ये कि नहीं, जो मैंने लिए वो ही लें। सही है, जो जो मुझे पसंद थी सब्जियां वो मैंने लिए। अच्छा, ये नमक है, ये मैंने एक टीस्पून डाला है, ये आधी टीस्पून गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है सॉरी, और एक टीस्पून ज़ीरा है, ये तो पिसावा की ज़ीरा है, भुनावा पिसावा, और ये जो है ना क्या कहते हैं वैसा है एक टीस्पून, और आधी टीस्पून हल्दी, आधी टीस्पून कुटी मिर्च है, और ये गरम मसाला आधी टीस्पून। अच्छा, ये हमने कुटी मिर्च कम ली है क्योंकि हम हरी मिर्चें भी इसमें कूट के डालेंगे। सही है, सब मैंने बता दिया आपको। अब हम करते हैं, ये देखें, ये हमने लिया ये अदरक, ये हमने इमाम दस्ते में डाली, और ये हमने ली हरी मिर्चें, ये इमाम दस्ते में डाली, और हम इसको पीस लेंगे। सही है, ये पीस लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं आके। देखिए मिर्चों का मसाला, वो जो मिर्चें और वो थी ना अदरक, वो मैंने पीस लिए। चलें शुरू करते हैं। ये देखें, ये वो हो गया तेल, अब मैं इसके अंदर ये लहसुन डाल दिया कटा हुआ की तरह। अच्छा, लहसुन कितने लिए थे मैंने, लहसुन नहीं बताया शायद मैंने आपको ना, 6-7 जबल ले लीजिएगा। सही है, ये ले मम्मा, 6-7 जबल लहसुन के ले लीजिएगा, देसी लहसुन का। और हाथ के हाथ डालेंगी ना, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, यानी हाथ के हाथ छील के डालेंगे। पिसावा भी डाल सकते हैं, मगर मैंने पिसावा नहीं लिया, ये ताज़ा लहसुन डालेंगी ना तो उसकी बात ही अलग है। सही है ना। अच्छा, अपनी ये भी डाल देते हैं। ये इसका पेस्ट है, अदरक का और उसका हरी मिर्चों का, खुशबू आ रही है। ये देखें, सिर्फ अभी मैंने ना हरी मिर्चें और अदरक वगैरह का पेस्ट डाला है, और उस पर इतनी प्यारी खुशबू, अच्छा लग रहा है।
ये देखो ये डाल दिया, अच्छे से कुछ बुनाई होगी इसकी। और ये जीरा भी डाल देंगे, जरा ये हो जाए फिर जीरा बाद में क्यों डाला, बाद में वो अभी तो हो ही रहा है ना, चटक जाएगा इसमें। सही है, हो गया। ये देखें ये टमाटर लिए थे ना, इसमें ये डाला नमक एक टी स्पून, वो गरम मसाला है ना जी, इसको अलग रखो, गरम मसाला, ये जीरा पाउडर आधी टी स्पून, आधी टी स्पून हल्दी, और ये कुटी हुई मिर्च आधी टी स्पून, सही है। ये लिया हमने और ये हम इसमें डाल देंगे। ये मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप इसको पकाएं, अच्छे लग रहे हैं कलर। अभी जो लहसुन ये है ना, टमाटर जरा से वो जाए सॉफ्ट, तो फिर हम सब जरा से, बस ज्यादा नहीं क्योंकि कुछ सब्जी के साथ भी होंगे। ये देखते हैं बिल्कुल मैश हो गए टमाटर, अब मैं सब्जियां डाल देती हूँ जो मैंने सब एक साथ करके रखी थी ना, ये देखें अब हम ये डाल देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा, धुली नहीं है बस, ये अपने ही पानी में सब्जी बहुत पानी छोड़ती है, पानी इतना सा एक बूंद भी नहीं डलेगा। अब ये पानी इतना छोड़ेंगे इसी में सारी सब्जी हो जाएगी, ठीक है। फिर दम पे हम इस पर वो डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, और क्या कहते हैं ये शिमला मिर्च रखी हुई डालेंगे, बहुत मज़े का। अभी देखिएगा ये ज़रा पानी वो होगा ना, इसका पानी छोड़ेगी ना सब्जी, तो आप इसकी खुशबू पूरे किचन में आप वो नहीं कर सकते, मगर मैं आपको बताऊंगी कितनी अच्छी खुशबू इसकी महकेगी पूरे किचन में हमारे। इसको मिक्स कर देते हैं, और आज की टिप्स ये है कि आप नए बर्तन लाते हैं ना, तो नए बर्तनों में स्टिकर लगे होते हैं, वो आप धोते तो स्टिकर हटते नहीं है, वो ना स्टील के बर्तन जैसे होते हैं उसके में बहुत मुश्किल हो जाती है, वो हटते नहीं है, तो आप उसको जो भी है ना बर्तन स्टील का खास तौर पर ना, तो उसको आप चूल्हे पे रखें और ज़रा सा गर्म होगा ना, और फिर हटाएं प्लास्टिक के, और प्लास्टिक के जो है वो माइक्रोवेव में रख दें, तो उनको हटाएंगे ना आप माशाल्लाह से आपका हट जाएगा स्टीकर। मेरे साथ भी ये होता है, अभी मैं चमचे लेके आई थी डिश के प्लास्टिक के ना, वो धो रही थी मैंने मोटा जूना होता उससे भी वो करा, वो किसी तरह नहीं हट रहा था, मैं परेशान हो गई थी, मरियम से कह रही मरियम आप हटाओ, मरियम से भी नहीं हट रहा था, तो आप जो है ना ऐसे कीजिएगा इंशाल्लाह। देखिए बस ज़्यादा ना हल्का हल्का भी नहीं कीजिएगा, बस इतना रखिएगा, ठीक है। अच्छा गोभी अपने ऊपर है, गोभी के बाजे लोग होते हैं ना फूल से बड़े बड़े वो डालते हैं, मुझे ना सब्जी जो होती है ना जैसे नौरतन हो गई या वैसे मिक्स सब्जी वैसे बनाते हैं दो तीन सब्जियां मिला के, मुझे हमेशा सब्जी है ना बिल्कुल घुटी हुई अच्छी लगती है, मुझे खड़ी खड़ी पसंद नहीं है। जैसे गोभी भी बाजे लोग बिल्कुल रहते हैं टूटे नहीं गोभी, मुझे जो है ना वो है आपके ऊपर है, आप जैसे चाहे रख सकते हैं, सही है। मुझे बिल्कुल घुटी घुटी सब्जी अच्छी लगती है, बिल्कुल घुटी हुई, वैसे खड़ी खड़ी जो सब्जी है ना मुझे नहीं पसंद, ये आपके ऊपर है आप जैसे चाहे आप रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मरियम, देखें कितना पानी छोड़ा है इसने, मेरी मम्मा अंदर जाके लेट गई हैं, मुझे खड़ा नहीं हो जा रहा था, देखें पानी नहीं डाला इसमें, अपना खुद ही पानी छोड़ा इतना सारा, देखें दिखाया नीचे करके वाले, देखिए
बहुत मजे की बनती है सर्दियों में। देखिए अब इसको ढक के रख दें, बिल्कुल पानी खुशक हो गया इसका। ये देखो भुनाई पे आ गया, जरा सब चीज भुनाई कर लेंगे इसकी। मजे की खुशबू आ रही है किचन में, पूरे में मेहनत फैल रही है माशाल्लाह से। और ये मैंने इसमें ये शिमला मिर्च डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी और ये गरम मसाला है, सही है, गरम मसाला डाल दिया। और हम इसको अब चलाएंगे नहीं, बस अब हम इसको रख देंगे ज़रा सा दम पे, बस हल्का सा दम पे रखेंगे और ये फिर ये तैयार है। फिर इसके बाद आपको मरियम खा के दिखाएंगे, सही है। ये मैंने ढकना ढक दिया इसके ऊपर और अब ये 5 मिनट बाद हल्का कर देते हैं चूल्हा ज़रा सा, ये देखें, सही है। और इसके बाद ये अब मरियम आपको खा के बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फैमिली। आज मेरी मम्मा ने बनाया है मिक्स सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी बोलते हैं ना। अब मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ। देखें ये मज़े की बनती है, ये आप इसको ज़रूर ट्राई, मुझे इतनी पसंद है ये। मैं गाजर भी ले लेती हूँ, इतने मज़े की बनी है, आप यकीन नहीं करेंगे इतने मज़े की बनी है ये। और जो इसमें मिर्ची कूट के डाली उसका एक अलग ही टेस्ट आ रहा है। और आप, मैं बता रही हूँ, आप इसको बनाएगा तो उसको सरसों के तेल में बनाइएगा। आप देखें, एक मैंने अपने लिए खाया, एक आपके लिए मैं खाती हूँ, मुझे ये इतनी पसंद है आप यकीन नहीं करेंगे। सर्दियाँ आती हैं, मैं मम्मा से कहती हूँ ये ज़रूर बनाए। चलिए मैं एक बाइट और खाती हूँ आपके लिए, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, मैं दो दो दफ़ा खा रही हूँ तो इसलिए फटाफट अपने किचन में जाएं और बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।